अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं आज आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 3 अप्रैल 2020। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पनामा पेपर्स लीक्ड लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ 2,14,488 ऑफशोर कंपनीज ऑन 3 अप्रैल इन विच ईयर्स। तो पनामा पेपर्स किस साल में लीक हुए थे? ऑप्शन ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी, 2016। द पनामा पेपर्स 110.5 लीक्ड डॉक्यूमेंट्स दैट डिटेल्ड फाइनेंशियल एंड अटॉर्नी क्लाइंट इंफॉर्मेशन फॉर मोर देन 2,14,488 ऑफशोर एंटिटीज। द डॉक्यूमेंट्स सम डेटिंग बैक टू द 1970s। क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ फर्म has been associated with Panama Papers? Option A, Magic Circle, B, Mossack Fonseca, C, Forensic Law, D, none of these. तो इसका सही जवाब होगा B, Mossack Fonseca. Mossack Fonseca and Company was a Panamanian law firm and corporate service provider. It was at one time the world's fourth largest provider of offshore financial services. Question number 3, who is incumbent foreign minister of Qatar? Option A, Tamim bin Hamad, B, Khalid bin Khalifa, C, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी, D, नन ऑफ दीस। तो इसका सही जवाब होगा C, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी। ये जो तमीम बिन हमाद हैं ये अमीर हैं कतर के, और खालिद बिन खलीफा जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं। Qatar is located in Western Asia with Doha as its capital city. Name of Qatari Parliament is Consultative Assembly. Official currency is Riyal and plus 974 is Global Calling Code of the country. Question number 4, Pakistani Dr. Tahir Shamsi suggested to treat critical coronavirus patients with प्लाज्मा थेरेपी, ही इज अ फेमस डिश। ऑप्शन ए पैथोलॉजिस्ट, बी वायरोलॉजिस्ट, सी हेमाटोलॉजिस्ट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा सी, हेमाटोलॉजिस्ट। ही एडवाइज्ड गवर्नमेंट टू टेक प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 एंड नो नीड ऑफ फंड्स न्यू मशीनरी फॉर वर्कफोर्स टू ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज नेम ऑफ द फर्स्ट पेशेंट ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान हु रिसेंटली डोनेटेड हिज प्लाज्मा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल कोरोना वायरस पेशेंट्स। ऑप्शन ए यहया जाफरी, बी यहया इकबाल, सी यहया जमील, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ए, यहया जाफरी। He was the first infected coronavirus patient and recovered his health during his quarantine time period. Question number 6, how many vaccines were under research in the world to fight against COVID-19? Option A 20, B 30, C 40, D none of these. तो इसका सही जवाब होगा सी, 40। द रिसर्चर्स
are busy in work on 40 different vaccine against COVID-19 in all over the world, is the article published in New England Journal of Medicine. Only 2 vaccine are under trial out of 40. तो कोई 40 जो है वैक्सीन अंडर रिसर्च हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोविड-19 के लिए, जिनमें से सिर्फ 2 वैक्सीन जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं, इंसानों पे आजमाई जा रही है. क्वेश्चन नंबर 7, चाइना ऑफर्ड टू शेयर एक्सपीरियंस विथ व्हिच रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर कंट्रीज रिसेंटली टू कम्बैट कोविड-19. ऑप्शन ए सार्क, बी अरब लीग, सी आसियान, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब होगा सी, आसियान. द आसियान इज अ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 10 मेंबर्स कंट्रीज इन आसियान. 10 मेंबर हैं आसियान के. द सेक्रेटरीट ऑफ आसियान इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया. देयर आर 10 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ आसियान. तो 10 मेंबर हैं और इसकी 10 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी मुल्कों की जो जो लैंग्वेजेस होंगी वो सब ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आसियान की. क्वेश्चन नंबर 8, हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान. ऑप्शन ए लिम जोक होई, बी ली लियोंग मिन, सी डेटिन चन चिन, डी नन ऑफ दीज. तो इसका सही जवाब है ए, जिम जोक, लिम जोक होई. तो ये जो है करंट सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान के. द आसियान वॉज फाउंडेड ऑन 8th August 1967. लिम जोक होई इज अ बेरोनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड इनकम्बेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान सिंस 1st January 2018. 1st January 2018 से ये सेक्रेटरी जनरल हैं और ये बेरोनाई दारुस्सलाम के जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं. और जो आसियान बनी थी वो 8 अगस्त 1967 को बनी थी, 1967 को. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइमली मिल सके. तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर